तेज समर्थक ने, शहरी समर्थक ने, ने इस देश को किसान, इस देश के किसानों को तबाह किया। और इन लोगों का किसानों के कृषि के बारे में कैसे अधिकार प्राप्त हो जाता है बात करने का, जिस राहुल गांधी का बाप गन्ने के किसानों को गुड़ बोने के लिए कहता है, जो राहुल गांधी आलू के किसानों के लिए, आलू पैदा करने के लिए आलू की फैक्ट्री लगाने की बात करता है, जो गेहूं, जौ, बाजरा, धान और मक्का का पौधा नहीं पहचान सकता, जो खेत खलिहान का कभी मेड़ पर बैठ के खेत खलिहान नहीं देखा होगा, वो किसान को बात करता है, किसी की बात करता है, वो किसानों को गुमराह करने की बात करता है। हम लोग जब संसदीय कार्य से छूटते हैं तो खेत खलिहान में जाते हैं, अपने का समय वहीं बीतता है। राहुल गांधी और किसानों में और हम लोगों में यही अंतर है कि जब यहाँ से संसद चलती होती है या नहीं चलती होती है तो उनकी छुट्टी वहाँ बनती है जहाँ प्रेम कीड़ा होते हैं। तो किसानों में और राहुल गांधी में और हम लोग किसान हैं, यही उनमें और हम लोगों में बुनियादी अंतर है। चलिए, किसी को कोई पूछना? सर, आपने ये कहा कि नेहरू जी उस समय लव लेटर लिख रहे थे, नेहरू जी माउंटबेटन की पत्नी को लेटर लिख रहे हैं। ये तो हम नहीं कर रहे हैं जी, ये भारत का इतिहास कहता है और नेहरू जी भी कहते हैं इस बात को और सारे लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, हम भी कहते हैं उसी बात को दोहरा। और दूसरा, आपने कहा वो प्रेम क्रीड़ा जहाँ होता है वहाँ जाते हैं ये लोग, इसका क्या आशय कहने का सर, इसको थोड़ा स्पष्ट। मैं जिस चीजों को जानता हूँ कि हम लोग खेत खलिहान में जाते हैं, वो प्रेम क्रीड़ा करने जाते हैं। सर, इससे अलग एक सवाल है जी। पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक हद तक बढ़ गया जी। और अब उसका दायरा उत्तर प्रदेश में भी आगे तक जा रहा है, लखनऊ, इलाहाबाद तक पहुंच गया है जी। आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ये समस्या हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की वजह से है, अपने स्तर पे क्या काम हुए है किसान? पराली जलाने वाले किसानों को हम लोग अभियान चलाकर ये कर रहे हैं कि खेती की उपज इससे घट जाती है जी। पराली भारी मात्रा में पंजाब में, हरियाणा में, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी होते हैं। उस खेत को जोत के पराली को जब मिट्टी से हम दबा देते हैं तो वो एक तरह का नाइट्रोजन का लेयर पैदा हो जाता है, वो खेत की उपज बढ़ जाती है। किसान भाइयों के अनभिज्ञता के कारण से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन आज पंजाब के मुख्यमंत्री का भी एक बयान मैंने पढ़ा, वो चिंता व्यक्त कर रहे थे पराली जलाने के। ये किसानों को बहुत सी चीज़ों को ये प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो गेहूं के जो, जिसको हम भोजपुरी में डांट कहते हैं, यहाँ पराली कहते हैं, वो तो ख़त्म हो गया, वो लोग जोत के उसको और उसके उपज उससे जमीन की बढ़ रही है, तो उनमें अब उसमें एक तरह से तन्मयता आ गई है कि नहीं उसको जोत देना चाहिए, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। और प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है विकास के नाम पर। तो पेड़ पर पेड़ लगाने की जो भारत सरकार की जो योजना है और लग भी रहे हैं, उससे बहुत चीज़ों का समाधान भी होगा। प्रकृति से सरोकार नहीं जोड़ना भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का। प्रकृति से जो सरोकार, हम लोग किसान मोर्चा के लोग इस अभियान में चल, अभी हमारे जब पदाधिकारी गए थे उड़ीसा में, किसान वहाँ पर किसान कई परेशानी को समाधान का दस्तावेज लाए हैं, जारी करेंगे। लेकिन आज का मुख्य आप लोगों से संवाद का कारण यही था कि गुजरात के किसानों को संदेश देना था, तो गुजरात के वहाँ के लोगों को संदेश देना था कि राहुल गांधी पुश्तैनी किसान विरोधी है लोग,
जिसका प्रमाण मैंने आप लोगों को दिया। सर एक चीज और ये कही, आपने कहा कि 3 साल में किसान जो आत्महत्या की दर है वो कम हुई है, इस रिगार्डिंग कुछ किसानों की जो आत्महत्या की घटना है, किसानों के आत्महत्या की जो घटना है उसमें आप कह रहे हैं कुछ सुधार आया है, कोई डेटा है इसका कि क्या वाकई डाटा नहीं? मैं बता रहा हूँ, 3.5 लाख 4 लाख किसानों ने भी ऐसे ही डाटा दिया, मैं अभी उसका पूरा डाटा मेरे पास नहीं है। 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये आत्महत्या का सिलसिला शुरू हुआ 1991 जब नरसिंह राव सरकार के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे जो 10 साल प्रधानमंत्री थे। सबसे पहले विदर्भ में आत्महत्या की सूचना मिली, उसी से उस समय से सिलसिला चला। लेकिन सरकार की भूमिका एक होती है, तो सरकार की पहली भूमिका होती है कि किस क्षेत्र में उस सरकारी कोष से कितना सुविधा देता है, सरकार की प्रमुख भूमिका है। तो ये पहली सरकार है जो अपने बजट का 42% हिस्सा कृषि और किसान के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दे रहा है। आधा मैंने जितना 42% दिया है उसके आधा हिस्सा भी कभी किसी सरकार ने बजट के में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नहीं दिया। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का बता सकता हूँ, अभी और प्रदेशों का डाटा मेरे पास है, 67,000 करोड़ रुपया नरेंद्र योगी जी की महाराज जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश का कृषि का बजट दिया, 67,000 पहली बार, नहीं तो 23,000 के नीचे ऊपर कभी आज तक बजट गया ही नहीं कृषि और 22-23। पहली सरकार है जिसने 67,000 करोड़ रुपए का बजट दिया और 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। हमने संकल्प पत्र, किसान संकल्प पत्र जारी किया था चुनाव के पहले। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि वह सरकार की फिजूल खर्ची रोककर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किसी से बिना लिए वो कर्जा माफी कर दिया। सर एक और सवाल है, आपने जो गुजरात के संदर्भ में कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार को कि किसान विरोधी है। पहले बीजेपी कहती थी कि राहुल गांधी कुछ जानते नहीं है, आप भी कई बार राहुल गांधी की खेती किसानी के विषय में जानकारी पर सवाल उठा चुके हैं और उनको ज्यादा गंभीरता से लिया नहीं जाता था। क्या लग रहा है कि अब जबकि चुनाव है गुजरात में, राहुल गांधी इतने प्रभावी हो गए कि उनके बोलने का इतना असर है कि किसान वहां पे? नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस के नेता हैं, जिन बातों को बोल रहे हैं, मैं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन बातों की सही आकलन का संदेश हम जनता को दे सके। राहुल गांधी जो किसानों के बारे में कृषि के बोल रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वो कृषि की और किसान की मूल बात नहीं, तो मेरी जिम्मेदारी फिर बनती है कि मैं उन बातों के संदेश को संवाद के माध्यम से वो दे सके जनता को या देश को कि नहीं वास्तविकता ये है। दो बातों पे रिएक्शन चाहूंगा, एक तो कल जो अशोक गहलोत के छोटे भाई के मार्फत एक फर्टिलाइजर स्कैम सामने आया है, पोटाश का, कि उन्होंने पोटाश जो है जिसको खाली मतलब इंपोर्ट इंडिया करता है, यहाँ बनता नहीं है और जिसका एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है, उसको उन्होंने जो है वो किसके भाई का, अशोक गहलोत, ये मैं बता रहा हूँ, अपने देश में पोटाश आयात किया जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी पोटाश की खदान राजस्थान में है। इसके पहले का ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है और कृषि में पोटाश, आप सब लोग, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, पोटाश का प्रयोग कृषि में देश में बहुत ही जरूरी तत्व होता है। अभी तक विदेशी कंपनियों को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना राहुल गांधी उसके सबसे बड़े किरदार है, विदेशी कंपनियों के दबाव में, विदेशी कंपनियों के दबाव में ये लोग पोटाश का प्रोडक्शन नहीं करते। मैंने इस सवाल को एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी में उठाया और पोटाश का प्रोडक्शन शुरू हो गया अपने देश में महादेव, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अभी तक पोटाश का प्रोडक्शन क्यों नहीं शुरू।